प्यारे विद्यार्थियों, अज असी बीए ते बाद पीजी ते यूजी डिग्री ते डिप्लोमा कोर्सेज बारे विचार चर्चा करांगे। बीए ते बाद जिहड़े विद्यार्थियों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट जाना है वह बीएड करन, क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का फुल फॉर्म है। उस तो बाद स्कूल दे विच टीजीटी लग्या जा सकता है, एमए करके पीजीटी लग्या जा सकता है, तो इस तरीके नाल एमएड एमफिल ते पीएचडी करना उपरंत एजुकेशन कॉलेजों के एज ए प्रोफेसर भी काम किया जा सकता है। पंजाब दे विच ईटीटी जिहड़ी है वह प्लस टू के बाद होंदी है, चंडीगढ़ दे विच ईटीटी ग्रेजुएशन के बाद होंदी है। जिहड़े बच्चे बीए करते हैं वह एलीमेंट्री टीचर लगन के लिए ईटीटी कर। उस तो बाद असी अगले कोर्स बारे गल करांगे, बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जिहड़े विद्यार्थियों ने बीए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के नाल कीती है वह बी पी एड कर सकते हैं, उसके बाद एम पी एड कर सकते हैं, एम फिल ते पी एच डी, तो उन्होंने नौकरी दे काफ़ी स्कोप ने। इस तरह बी एड योगा है, जिहड़े विद्यार्थियों ने फिजिकल एजुकेशन बी एच कीती है वह गौरमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हैल्थ सैक्टर ते ही चंडीगढ़ ते ब्रह्म ऋषि योगा ट्रेनिंग कॉलेज सैक्टर 19 चंडीगढ़ तो योगा बी एड कर सकते हैं। इस तो अलावा एक साल का कोर्स है वीलिब का, बैचुलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये करने उपरंत लाइब्रेरी के असिस्टेंट की जी जॉब आ वो मिल जाती है। इस तो बाद एम लैब करके एम फिल ते पी एच डी करके लाइब्रेरियन तक की पोस्ट तक पहुँचा जा सकता है। बी ए करने उपरंत बहुत सारिया भाषावान एम ए की जा सकती है, जिस तरह इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू तो होर बहुत सारिया लैंग्वेज असी एम ए कर सकते हाँ। इस तो अलावा बहुत सारे विषय ने जिन्हां विच एम ए की जा सकती है, हिस्ट्री है, इकनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पोलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, डिफेंस स्टडी है, म्यूजिक वोकल है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, कंपैरेटिव स्टडी इन रिलीजन, एम ए इन एजुकेशन, इदा ही इस तरह ही एम ए इन गांधीयन स्टडीज, तो एम ए असी वेमन स्टडी एंड डिवेलपमेंट विच कर सकते हैं, एम ए गवर्नेंस एंड लीडरशिप विच कीती जा सकती है। इस तरह एम एस डबल्यू मास्टर इन सोशल वर्क दे विच भी जिहड़े असी बी ए तो बाद जिहड़ा एम एस डबल्यू कोर्स कर सकते हैं। जिहड़े विद्यार्थियों ने बी ए दे विच मैथ पढ़िया है वह एम एस सी मैथ कर सकते हैं। इस तो अलावा बी ए करन तो बाद विद्यार्थी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो बी ए तो बाद थ्री ईयर कोर्स LLB है, बैचलर ऑफ लॉ किया जा सकता है, एडवोकेट बनया जा सकता है, तो जुडिशरी दे विच सब जज तो लैके होर सारिया बहुत सारिया पोस्टां दे उत्ते जाया जा सकता है। इस तरह डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया जा सकता है, उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है। इस तरह पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इहदी ड्यूरेशन 1 साल की है, ये किया जा सकता है। डिप्लोमा इन ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म किया जा सकता है, पीजी डिप्लोमा है, इसकी भी ड्यूरेशन 1 साल की है। इस तरह पीजी डिप्लोमा इन ईवेंट मैनेजमेंट एंड ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर है। इस तरह विद्यार्थी ग्रेजुएशन तो बाद उदे लई बहुत सारे फील्ड ने जिन्हां फील्डां दे विच हो जा सकता है, उसका आधार ग्रेजुएशन दे विच लए हुए सबजैक्ट जिहड़े उदे इलैक्टिव सबजैक्ट ने उन्हां ते आधारित है, तो उसने किहड़ा फील्ड चुनना है। बहुत समझदारी दी दे नाल सानू पोस्ट ग्रेजुएशन जां होर डिग्री कोर्स करने चाहिए हन, तां कि सानू पता होवे साडा एम की है, साडी मंजिल की है, असीं कित्थे पहुँचना है, तो उसनू पहुँचने दे लई किहड़े किहड़े कोर्स करने ने, उन्हां बारे सानू जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यही नहीं, इस तों अलावा भी बहुत सारे कोर्स ने जिहड़े ग्रेजुएशन तों बाद कीते जा सकते ने, उहदी जानकारी तुसीं नैट तों कलैक्ट कर सकते हो। ठीक है, विद्यार्थी सुचेत रहना चाहीदा है कि उसनों अपना जिहड़ा गोल ऑफ लाइफ है, जिहड़ी मंजिल है, वह मिथनी पएगी, उसने कित्थे पहुँचना उस हिसाब दे नाल बीए तो बाद वो कोर्स ज्वाइन करे। इस तरीके नाल सीक्रेट ऑफ सक्सैस मेरी पहला ही यूट्यूब दे उत्ते जिहड़ी वीडियो पई हुई है डॉक्टर बलजीत सिंह चैनल दे उत्ते, इस चैनल दे उत्ते तुसीं उसनों सर्च करके देख सकते हो कि बीए तो बाद जिहड़े विद्यार्थियों ने अगे एजुकेशन नूं जारी नहीं रखना, सगों कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है, वो किहड़े किहड़े कंपीटिशन एग्जाम विच पार्टिसिपेट कर सकते ने, किन्हां किन्हां नूं किस तरह क्वालीफाई कर सकते ने, उसकी जानकारी सानू सीक्रेट ऑफ सक्सैस
वीडियो विच मिल सकती है। मैं लगता है कि तुसी इस सारी गलबात चंगी तरह समझ लिया है। इस तरीके नाल असी थानू जागृत करन दी जड़ी लड़ी है वो जारी रखांगे। वीडियो देखने लई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।